आजमगढ़ में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा है कि हमारा ये प्रयास है कि किसानों के खरीफ की फसल की जो क्षति हुई है उसकी रवि की फसल के पहले भरपाई की जाए। उन्होंने बताया कि प्रदेश के किसान इस वर्ष 100 लाख हेक्टेयर में गेहूं की खेती करेंगे। 30 लाख दलहन और तिलहन की खेती करके पिछले 4 वर्षों से लगातार उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर रहा है। साथ ही कृषि क्षेत्र में और आगे बढ़ने के लिए विभिन्न प्रकार अनुदान के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई कार्यक्रम चला रहे हैं। कृषि, कृषि शिक्षा और कृषि अनुसंधान कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही आजमगढ़ के सठियाओं विकास खंड के भगवानपुर गांव में एक बड़े धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने आए थे। तो रवि के अंतर्गत उसको भरपाई किया जा सके जिससे किसान को नुकसान से बचाया जा सके और इसलिए प्राथमिकता के आधार पर उसकी रणनीति बनाई जा रही है। हम प्रदेश के भीतर 100 लाख हेक्टेयर में इस साल रवि की गेहूं की खेती करेंगे और इसके अतिरिक्त जो है वो 30 लाख हेक्टेयर के भीतर दलहन और तिलहन तथा अन्य फसलों की खेती करके ये पूरी हमारी कोशिश है कि देश के भीतर हम पिछले 4 साल से सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाले राज्य के रूप में हमारा उत्तर प्रदेश है। ये आगे की रहे, आगे भी उस स्तर से बढ़ते हुए आगे जाए, ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की मंशा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा चाहते हैं, उस हिसाब से हम इस पर काम करते हैं।